हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं इस चीज़ में, टेक्नोलॉजी के लिहाज में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। ठीक है, ये बात हमें तस्लीम करना होगी। उनके गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, मतलब कि हर जगह बड़ी बड़ी जो भी मतलब कि चीज़ें हैं इस तरह की, हर कंपनी में उनका कोई ना कोई बंदा बैठा हुआ है। और उनकी टेक्नोलॉजी, उनके देखें, उनकी तरक्की का एक रीज़न यही है कि उनके मुल्क में इस चीज़ को आगे प्रमोट किया जाता है। बाकायदा तौर पर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे टेक्नोलॉजी के, कि इंडिया ने मेड इन इंडिया बरामूस मिसाइल जो उनसे हैं वो जो बड़ी तेज़ी से बना भी रहा है। और अब ऐसी कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज ऑलमोस्ट, जो कि ये चाहती हैं कि इंडिया से वो मिसाइल खरीदे जाएँ। क्या वजह है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया इतना आगे चला गया है, ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में? डिफेंस, जाहिर सी बात है, इंडिया से बताया जाता है, हमारा सारा फोकस डिफेंस पे है। हमने ये सोचा हुआ है कि हमारे सामने सिर्फ इंडिया है, हालांकि इंडिया ये नहीं सोच रहा। ठीक है, इंडिया ये सोच रहा है कि हमने ग्रो करना है। ठीक है, मतलब हमारा फोकस अगर है भी है डिफेंस पे, नो डाउट होना भी चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि फोकस होने के बावजूद भी वो डिफेंस में बहुत आगे जा चुका है? जब इंडिया की आईआई टीम जो है ना, आईआईटी जो टीम आईआईटी जी बिल्कुल, उन्होंने इतनी डेवलपमेंट की है कि आज जितने भी बड़ी कंपनी है ना, गूगल हो गया या इस तरह की और कंपनी, उनके जो CEO है वो सारे इंडियन है। माइक्रोसॉफ्ट और पता नहीं कौन सी ऐसी कई कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज के वो CEO नजर आ रहे हैं, क्या वो ऐसे ही जाके बैठ गए हैं? मतलब हर बंदा आसानी से ये बात कर देता है जी वो बड़ी बड़ी कंपनी, वो ऐसे ही जाके बैठ गए? उनकी जो हुकूमत है वो सपोर्ट कर रही है ना उनको? नहीं, अच्छा, यानी कि उन्होंने पढ़ा लिखा कुछ नहीं, उनकी हुकूमत ने सपोर्ट किया। अभी रिलेशन बेहतर करते हैं, ज्यादा फायदा किसको है? मेरे ख्याल से ज्यादा फायदा पाकिस्तान की है, क्योंकि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। उनके जो इंस्टीट्यूट है वो माने जाते हैं दुनिया में, किसी न किसी IIT है और बहुत से ऐसे बहुत अच्छे। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया एक कंट्री है ना, हमारा राइवल है। हम ज्यादा सोचते हैं कि हमने उसके मुखालिफ जाके ना दूसरे कंट्रीज के साथ एक अलायंस बनाना है, हो सकता है वो कंट्री किसी की फेवर करे ना करे। तो इंडिया क्या करते हैं, इंडिया सबके साथ मिलके चलता है। मतलब ये है कि उनके सबसे ताल्लुकात अच्छे हैं, उन्होंने अपनी आवाम के लिए कुछ मतलब ऐसा सोचा हुआ है कि वो बड़े अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं, एजुकेशन को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, अपने जो इनसाइड जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको मौका दे रहे हैं, अपने जो स्टूडेंट्स हैं आप उनको अगर देख लें, स्टूडेंट लोन्स हैं, बड़ी सी स्कीम्स हैं उनकी, मतलब एक वेलफेयर का काम जो है वो बड़ा। तो लैपटॉप स्कीम है या थी, मतलब लैपटॉप स्टूडेंट्स को दिए जाते थे? मेरे ख्याल से ऐसा है, लैपटॉप के जरिए जो है ना एक वेलफेयर इतनी नहीं हो सकती स्टूडेंट की जितनी एक मतलब अगर उसको मौका दिया जाए, उसको प्रॉपर बिजनेस के लिए जो है ना मतलब पैसा दिया जाए, या हो सकता है उसको अगर किसी और कंट्री में जाके वो बिजनेस करना चाहता है, कोई जॉब करना चाहता है, स्टडी करना चाहता है, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान के हालात, लैपटॉप का क्या करना जब इंटरनेट सर्विस नहीं पाकिस्तान में उस तरीके से होगी या बहुत महंगी होगी, लाइट ही नहीं आती, लैपटॉप चार्ज कैसे करेंगे? अच्छा, खबर ये है कि इंडिया ने मेड इन इंडिया बरामूस मिसाइल जो उनसे हैं वो जो बड़ी तेज़ी से बना भी रहा है। और अब ऐसी कंट्रीज हैं, 6 कंट्रीज ऑलमोस्ट, जो कि ये चाहती हैं कि इंडिया से वो मिसाइल खरीदे जाएं। क्या वजह है कि टेक्नोलॉजी में इंडिया इतना आगे चला गया है? ना सिर्फ टेक्नोलॉजी में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करें, IT की बात करें, बहुत सी ऐसी फील्ड्स हैं जिनमें आगे चला गया है, मिसाइल दुनिया के दूसरे कंट्री खरीद रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया अपने स्टूडेंट्स को जो है ना प्रॉपर लोन देता है ताकि वो दूसरे कंट्री में जाकर स्टडी करें। अब वो जब किसी अच्छे कंट्री में जाकर स्टडी करेंगे तो स्टडी जो है ना बड़े अच्छे लेवल की हो, उतनी ज़्यादा वो स्किल्स सीखेंगे, दूसरे मुल्क से आके अपने कंट्री को सर्व करेंगे फिर। ठीक है, इसी वजह से उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, क्योंकि उन्होंने जो है ना उन्होंने जो है मतलब दूसरे जो प्लेटफॉर्म्स है ना, मतलब YouTube है, गूगल देख लें, उन सब पे जो है ना मतलब कि कहीं ना कहीं पे इंडियन जो है कोई ना कोई बैठा हुआ है। ठीक है, और एक बड़ी बात ये है जी, आप मिसाइल के बारे में कुछ कहना? मिसाइल के बारे में मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब इंडिया का रिसेंटली मैंने ये भी पढ़ा था कि वो मिसाइल उन्होंने बनाया तो वो जा रहे हैं आगे, मतलब मार्स पे शायद कर रहे हैं वो मिशन, हमारा चंद्रयान 3 वो उन्होंने लॉन्च करने वाले हैं वो। हमारा मुल्क ये है कि हमारा मुल्क कर्जा IMF से मिलने में खुश हो रहा है, लेकिन वो अपनी सेलिब्रेशन क्या कर रहे हैं, वो अपनी जो है ना मतलब टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं, स्टूडेंट्स को इम्प्रूव कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रहे हैं, और वो ग्रो कर रहे हैं। उनका जो फोकस ग्रोथ पे है, नो डाउट उनका फोकस ग्रोथ पे है। पाकिस्तान के लोग भी चाहते हैं हम डेवलपमेंट की तरफ जाएं, लेकिन हमें एक विजन नहीं दिया जा रहा। हम डिफेंस में अगर पूरी दुनिया में पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में बताया जाता है हमारा डिफेंस के हवाले से मुकाबला है, तो वो किससे बताया जाता है? डिफेंस, जाहिर सी बात है, इंडिया से बताया जाता है, हमारा सारा फोकस डिफेंस पे है। हमने ये सोचा हुआ है कि हमारे सामने सिर्फ इंडिया है, हालांकि इंडिया ये नहीं सोच रहा। ठीक है, इंडिया ये सोच रहा है कि हमने ग्रो करना है। ठीक है, मतलब हमारा फोकस अगर है भी है डिफेंस पे, नो डाउट होना भी चाहिए, लेकिन क्या वजह है कि फोकस होने के बावजूद भी वो डिफेंस में बहुत आगे जा चुका है? हम आज भी मिसाइल कोई चाइना से या कोई अमेरिका से लेते हैं, वो तो अब इम्पोर्ट करने जा रहे हैं, एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं।
इसका ये है कि अब हमारा आर्मी का बजट देख लें वो कितना ज़्यादा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम अपने स्टूडेंट्स को मतलब ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज देंगे, एजुकेशन देंगे, अच्छी एजुकेशन, तो फिर हमारी जो है ना मतलब स्टूडेंट्स बाहर जाके हो सकता है पढ़ सकें या फिर अच्छी स्किल्स ले सकें, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कर सकें, कोई नई ईजादात कर सकें, कोई ना कोई न्यू इनिशिएटिव ले सकें, तो फिर पॉसिबल है कि पाकिस्तान भी इस रेस में जो है ना कहीं उसका मुकाबला कर सके या हो सकता है उसके आगे से जा सके। भाई से बात करते हुए एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग लगी है कि ये हर बात में कहीं ना कहीं एजुकेशन को लेकर आ रहे हैं। मैं भी यही कहता हूँ कि हमेशा जब भी अगर आपने किसी कंट्री की डेवलपमेंट की तरफ जाना है, सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करना होगा। एजुकेशन सिस्टम बेहतर होगा तो हमारे इंजीनियर अच्छे होंगे, डॉक्टर अच्छे होंगे, साइंटिस्ट अच्छे होंगे। इंडिया ने एजुकेशन सिस्टम कब बेहतर किया, या जो भी कंट्री है वो डेवलपमेंट की तरफ जाता है वो कैसे एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करता है? इंडिया का भी एजुकेशन सिस्टम 1947 में आई थिंक वैसा ही था जैसे हमारा था। बिल्कुल, उन्होंने क्या है कि उन्होंने रूट लेवल से हो सकता है डेवलप किया हो, अब मुझे राइट स्ट्रेटजी नहीं उनकी पता कि उन्होंने कैसे डेवलप किया, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को जो है ना प्रॉपर एक लोन देते हैं ताकि वो दूसरे कंट्रीज़ में जाके पढ़ें। अब क्या है कि जिस तरह मैंने पहले बात की कि वो दूसरे कंट्रीज़ में जाके एक न्यू स्किल सीखेंगे, अब एक टीचर है वो हमारे कंट्री में प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं, उसकी एक सोच लिमिटेड होगी, उसके एक्सपीरियंसेस लिमिटेड होंगे, लेकिन जो दूसरे कंट्रीज़ के जो प्रोफेसर हैं उनके एक्सपीरियंसेस, उनकी प्रैक्टिकल वर्किंग जो है वो डिफरेंट लेवल की होगी, जो उसके क्लास फेलोज होंगे उनसे जो लर्निंग होगी उसकी वो एक डिफरेंट लेवल की होगी, क्योंकि सभी वहाँ पे एक पढ़ने लिखने वाले और टेक्निकल माइंडेड पीपल बैठे हुए हैं और वो अपना जो एक्सप्लोर करके आते हैं चीज़ें वो अपने कंट्री में लाते हैं, अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। क्या बेहतर हो कि अगर हम इंडिया के साथ स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करें? क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि हम यहाँ से स्टूडेंट्स भेजें, वो वहाँ से सीख के आएँ, देख के आएँ कि वो कैसे अपने एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी में कैसे ग्रो कर रहे हैं, वहाँ से टीचर्स को बुलाएँ यहाँ पर हमारी यूनिवर्सिटीज में आके वो पढ़ाएँ हमें? नहीं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, एजुकेशन के लिहाज से हम विज़िट कर सकते हैं वहाँ पे। इसका यही है कि हम ग्रोथ देख रहे हैं ना अपनी, अब हम वो राइवलरी जो अपने माइंड से है वो निकाल के हम आगे बढ़े ना, उनके साथ एक ऐसा मतलब रिलेशन बनाए हम ताकि वो हमारे वो स्ट्रेटजिक जो है उसको भी अलायंस हो जाए, हमारे उनके साथ रिलेशन बेहतर हो, हाँ, ताकि हम मिल के चल सकें, आगे ग्रोथ कर सकें। बस तो हम ये चीज़ें अगर मैं समझ रहा हूँ, स्टूडेंट आप हैं, यूथ हैं, आप समझ रहे हैं, हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं समझते? और इसका इंडिया को फ़ायदा या पाकिस्तान को? मतलब अगर हम अभी रिलेशन बेहतर करते हैं ज़्यादा फ़ायदा किसको है? मेरे ख्याल से ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान की है, क्योंकि इंडिया की एजुकेशन सिस्टम जो है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर है, उनके जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो माने जाते हैं दुनिया में, किसी न किसी IIT है और बहुत से ऐसे बहुत अच्छे रैंक्स हैं उनके इंस्टीट्यूट्स के। अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं उनकी लर्निंग मजीद बेहतर हो सकती है, वो स्किल्स डेवलप कर सकते हैं वहाँ पे। मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान को ज़्यादा फायदा होगा, फायदा होगा, इंडिया को तो कोई फायदा नहीं। हाँ, ऐसा कोई इतना फायदा नहीं होगा। लास्ट में ये बता दें, वो कंट्री जिसे हमें बताया जाता है जी मुकाबला है हमारा, इंडिया के साथ मुकाबला है, हमारे में जज्बा है, हम ये करेंगे वो करेंगे, वो कंट्री बिलियंस ऑफ डॉलर की डील कर रहा है, कभी ड्रोन वो लेता है USA डील करता है, और कभी अपने मिसाइल वो सेल करने की बात करता है। हम यहाँ IMF से $3 बिलियन के लिए पता नहीं कितने तरले करते हैं, कोई मुकाबला बनता है अगर बिल्कुल अथेंटिक वे में सोचा जाए? नहीं, मुकाबला कोई भी नहीं बनता है, उनकी जो इकोनॉमी है वो बहुत मतलब अच्छी है, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है। पाकिस्तान में फाइनेंस को मेरे ख्याल से अच्छी जगह से यूज़ किया ही नहीं जाता है, मतलब कर्जा लेते हैं उस कर्जे के ऊपर जाहिर सी बात है हमने उसे उतारने के लिए फिर उतारने के लिए वो सूद भी तो वापस करना होता है। अगर $1 अरब हमें कर्जा मिला तो उसका जो सूद अगर आप देखेंगे तो उसका $2 अरब हमें वापस करना पड़ेगा, $1 अरब हमें फिर भी सूद देना पड़ रहा है, मतलब क्या है कि हम हर सूरत में खसारे में ही हैं। अब हमारी जो पाकिस्तान की जो कम्युनिटी बाहर बैठी हुई है ओवरसीज़ पाकिस्तानी, अगर वो ही पैसे देने चाहें पाकिस्तान को तो पाकिस्तान का कर्जा तो कुछ भी नहीं है उनके सामने। तो सर ट्रस्ट नहीं ना हो पा रहा, आप किस पे ट्रस्ट करके पैसे भेजे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब पे, हमारे अदारों पे, या किस पे ट्रस्ट किया जाए और वो फॉरन जो बाहर बैठे हैं वो पैसे भेजे वहाँ से? बस ऐसा ही है, उनको ये ट्रस्ट नहीं है कि हम पैसा भेजेंगे अच्छी जगह से पैसा यूज होगा कि नहीं होगा। ठीक है, बस कुछ ऐसे लोग होने चाहिए अच्छे जो फाइनेंस को अच्छी तरह कंट्रोल कर सकें, किसी अच्छी जगह पे लगा सकें, किसी की वेलफेयर के लिए यूज़ कर सके उसको, ताकि पाकिस्तान डेवलप हो। अब देखें पाकिस्तानी बहुत सारे बाहर बैठे हुए हैं और बहुत अमीर अमीर भी हैं, बहुत अल्लाह ताला ने बहुत रिज़्क दिया उनको, वो जब पीछे देखते हैं अपने कंट्री को तो उनको भी दुख होता है कि यार हमारा कंट्री इतना नीचे क्यों जा रहा है, हमारे कंट्री को भी ग्रो करना चाहिए, हमारे कंट्री के पासपोर्ट वैल्यू क्या रह गई है, हम अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर बाहर कहीं जाते हैं उनकी क्या रिस्पेक्ट होती है आपके सामने है, इवन कपड़े तक उतरवा के चेकिंग की जाती है। बिल्कुल ऐसे ही, ये बड़ी डिसरिस्पेक्ट होती है एक इंसान की ना, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आए, उन्होंने इस चीज़ पे जो है ना काफ़ी पॉइंट आउट किया इस चीज़ को, और पाकिस्तान की डे बाई डे जो है ना पाकिस्तान की रिस्पेक्ट काफ़ी इंक्रीज़ हो रही है किसी ना किसी सेंस में। ठीक है, लास्ट में ये बताएं कि ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ रोड पे खड़े होके,
क्या ये चीज़ें हमारी मीडिया पे डिस्कस होनी चाहिए, क्या ये चीज़ें हमारी यूनिवर्सिटी लेवल पे लोगों को बतानी चाहिए कि भाई दुश्मनी से आगे बढ़ो, नफरतों को ख़त्म करो, रिलेशन बेहतर करो, और इसी में हमारा फ़ायदा है, ना सिर्फ इंडिया के साथ, चाइना हो, अफगानिस्तान हो, ईरान हो, रशिया हो, कोई भी कंट्री है, सबके साथ रिलेशन बेहतर करो। बिल्कुल, रिलेशन सबसे बेहतर करना चाहिए, और अनटिल अनलेस हम ग्रो नहीं करेंगे खुद तो हम किसी का मुकाबला नहीं कर सकते। हम इतने जोगे ही नहीं है कि हम किसी को आंख दिखा सकें, तो हमारी क्या दुश्मनी उसके साथ। अगर हम आंख दिखाएंगे भी तो जाहिर सी बात है वो कोई ना कोई हमारा नुकसान करेगा, नुकसान हमारा। अगर ये हमारा पास में हमने देखा भी है कई दफ़ा, जो जंगें हुई हैं, नुकसान किसका हुआ सब देखा। ये बताएं हमारी कहीं ये सोच तो नहीं ऐसे बन गई कि मतलब खुद ही हम डेवलपमेंट की तरफ जा नहीं पा रहे या जाना चाहते नहीं और दूसरों को भी टांगे खींचते हैं। मेरे ख्याल से ये रूट लेवल से जो है ना ये होना चाहिए हमारी। बिल्कुल आपने सही कहा कि सोच शायद इस तरह की हो गई है, क्योंकि वो हम चीज़ें देखते ही ऐसे आ रहे हैं ना। ये कहते हैं कई चीज़ें जो है ना आपको विरासत से मिलती हैं, तो हमारे जो बाप दादा जो करते हैं हमें ऐसा लगता है कि शायद वही चीज़ ठीक है। हमें ये चीज़ को देखना चाहिए दोनों साइड्स को कि कौन सी ज़्यादा बेहतर है। पढ़े लिखे इंसान में यही होता है कि वो फैसला कर सकता है एक चीज़ के अंदर ना, कौन सी राइट है कौन सी रॉन्ग है। तो मेरे ख्याल से जो नौजवान है उनको ये देखना चाहिए ओके वो किस तरह ग्रो कर सकते हैं, अपने स्किल्स को किस तरह बेटर कर सकते हैं। हमेशा गवर्नमेंट को ब्लेम करने के बजाय मुझे अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है, इन्हें अपनी जिम्मेदारी को और यूथ को अपनी जिम्मेदारी को पूरा करना है। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुर्रब। क्या करते हैं? मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं, जबरदस्त जी, जबरदस्त, बड़ा मजा आएगा आपसे बात करते हुए। टॉपिक ये है कि अगर पाकिस्तान की बात करें, खास तौर पे डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से बात करें, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में डिफेंस इक्विपमेंट्स खुद बनाए जा रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान है, या कहीं से हम इंपोर्ट कर रहे हैं? देखिए जी, यहाँ पे तो हम अपनी इतनी महंगाई है तो हम यहाँ पे अपनी बनाई हुई चीज़ें जो अपने मैन्युफैक्चर होती हैं पाकिस्तान में, ठीक है, वो ही नहीं खरीद सकते। अगर वो खरीदने जाएँ तो उनकी कीमतें तो कम है, लेकिन टैक्स डाल के इतनी हो जाती है कि एक आम इंसान के लिए अफोर्डेबल नहीं है वो अफोर्ड नहीं कर सकता। कोई चीज़ बाहर से आएगी उस पर टैक्स ज़्यादा होगा या जो पाकिस्तान में बनेगी उसका टैक्स ज़्यादा होगा? जाहिर बात है जब IMF से आपने कर्ज़े वगैरह लेने हैं तो उनकी शरायत होती हैं कोई, कि वो शरायत आपको बकायदे तौर पर मंजूर मतलब मानेंगे तो फिर ही आपको देंगे ना कर्ज़े वगैरह। आप महंगाई करेंगे, आप पेट्रोल की कीमतें ज़्यादा करेंगे, अदरवाइज़ अगर आपको नहीं कबूल तो आपको कुछ नहीं देंगे वो। तो जब वो वही चीज़ें अगर आप टैक्स वगैरह हर चीज़ पर लगाएंगे तो जारी बात है फिर बाहर की चीज़ें जब आएंगी फिर उन चीज़ों पे डॉलर जब ज़्यादा होगा तो जारी बात है सारी चीज़ों की ऑटोमेटिक कीमतें इंक्रीज़ कर जाएंगी। कीमतें बढ़ने की बात एक और है, लेकिन बात ये है डिफेंस के हवाले से हमें ये बताया जाता है इंडिया हमारा दुश्मन है डिफेंस के खास तौर पे हवाले से, वैसे तो ये समझना नहीं चाहिए, लेकिन वो जितनी तेज़ी से अपने इक्विपमेंट्स खुद बना रहा है, मिसाइल खुद बना रहा है, अभी उन्होंने बरामूस मिसाइल बनाया है जो कि ना सिर्फ वो खुद यूज़ कर रहे हैं बल्कि दुनिया के दूसरे कंट्रीज उनसे खरीदते नज़र आ रहे हैं, क्या हमारा उनसे अब कोई मुकाबला नज़र आ रहा है? हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं इस चीज़ में, टेक्नोलॉजी के लिहाज में वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं, ठीक है, ये बात हमें तस्लीम करना होगी। उनके गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में, मतलब कि हर जगह बड़ी बड़ी जो भी मतलब कि चीज़ें हैं इस तरह की, हर कंपनी में उनका कोई ना कोई बंदा बैठा हुआ है, और उनकी टेक्नोलॉजी उनके देखें उनकी तरक्की का एक रीज़न यही है कि उनके मुल्क में इस चीज़ को आगे प्रमोट किया जाता है। बकायदा तौर पर इंस्टीट्यूट है वहाँ पे टेक्नोलॉजी के, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का क्या है, कुछ भी नहीं है। यूनिवर्सिटीज तो हैं, यूनिवर्सिटीज तो यहाँ पे भी हैं, यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन उस तरह के अदारे नहीं है कि मतलब के वो एक बंदा अगर प्लेटफॉर्म उन्हें प्रोवाइड कर सके। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, अगर वो आज आपने बोला वो बड़ी बड़ी कंपनीज में बैठे हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और पता नहीं कौन सी ऐसी कई कंपनीज हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज के वो CEO नज़र आ रहे हैं, क्या वो ऐसे ही जाके बैठ गए हैं? मतलब हर बंदा आसानी से ये बात कर देता है जी वो बड़ी बड़ी कंपनी, वो ऐसे ही जाके बैठ गए? उनकी जो हुकूमत है वो सपोर्ट कर रही है ना उनको? नहीं, अच्छा, यानी कि उन्होंने पढ़ा लिखा कुछ नहीं, उनकी हुकूमत ने सपोर्ट किया। जारी बात है जब वो इंस्टीट्यूट बना रहे हैं तो जारी बात है उनको तलीम उस लेवल की मिल रही है, ठीक है, उस लेवल की तलीम जब मिल रही है तो उनके प्राइम मिनिस्टर भी उस चीज़ को आगे लेकर जा रहे हैं ना, वो भी मतलब विजिट करने जाते हैं जब, तो वो अपनी ये चीज़ें वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ऐसे ही है, बड़े बड़े बिजनेसमैन से मिलते हैं, अमेज़न वहाँ पे जा रहा है, बहुत सी ऐसी चीज़ें वहाँ इन्वेस्टमेंट। इमरान खान यहाँ देखें एक अच्छा काम किया, अमेज़न लेके आए हैं पाकिस्तान में, लेकिन वो खत्म हो गया, वो खत्म हो गया, वो इन्होंने आके खत्म कर दिया, तो क्या फ़ायदा फिर ऐसे तो मुल्क डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकता। आपने बोला कि वो डेवलपमेंट में खास तौर पे टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हमसे जा चुके हैं, मुकाबला नहीं है, ये चीज़ क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की पब्लिक को ऑलमोस्ट पता चल चुकी है या अभी भी हमें यही अंधेरे में रखा गया है कि जज्बा और ये चीज़ें? बस यही बात है ना, देखिए डिफेंस के आप बात करें 80% तो बजट हमारा जाती फौज को है ना। अच्छा, ठीक है, वैसे 80% नहीं जाता लेकिन काफ़ी ज़्यादा, एक फिगर बताते हैं ना आम लोग जो होते हैं, चलो
मेजोरिटी तो जाती है ना उसकी तरफ, आम इंसान के निस्बत, ठीक है ठीक है, तो वो एक तरह से ठीक है, आम है वो आपके मुल्क को बॉर्डर पे प्रोटेक्ट करते हैं, उनका बनता है ठीक है। लेकिन अगर हम ये करें कि एजुकेशन सिस्टम को बेहतर कर लें, आपने बोला कि अगर इंडिया के लोग बड़ी बड़ी कंपनीज में गए हैं क्या फायदा वहाँ की एजुकेशन का, क्या फायदा? देखें मैं एक डॉक्टर बन गया हूँ, मेरे पास अभी तक गवर्नमेंट को जॉब नहीं है कोई भी। ठीक है, आप डॉक्टर कौन से कॉलेज से बने हैं? मैं लाहौर यूनिवर्सिटी से बना हूँ, मैं डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी हूँ। अच्छा, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी है, और अभी तक आप डॉक्टर बन के जॉब नहीं मिल रही? जॉब नहीं मिल रही, तो देखे मेरे बाहर जाने के चक्करों में तो नहीं है? नहीं नहीं, बाहर जाने के चक्कर, जब देखे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिले इंसान को तो वो क्यों बाहर जाएगा, मुझे बताएं। पिछले साल 7 लाख से ज्यादा लोग यहाँ से माइग्रेट हुए हैं, पाकिस्तान से बाहर एजुकेटेड लोग चले, एजुकेटेड हम माइग्रेट करके, और 15 लाख जो वो वेटिंग में बैठे हुए हैं। ठीक है, और इंडिया की अगर बात करें, क्योंकि टॉपिक हमारा वो है, तो वहाँ जो उनके स्टूडेंट्स या जो उनके जो भी वहाँ पे बाहर के कंट्रीज में इंप्लॉयज हैं, इंडियंस हैं, वो वहाँ से छोड़ छोड़ के अपने कंट्री में वापस आ रहे हैं। ये बात है ना, देखे ना वो उनके एक उनके प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चाहे जो भी हैं, बाकी वो मुल्क में वो चीज़ें ले रहे के जा रहे हैं कि नौजवान को जाया नहीं कर, वेस्ट नहीं करने दे रहे। ठीक हो गया, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्या हमें सीखने की ज़रूरत है या नहीं? बिल्कुल है सीखने की, लेकिन हर इंसान को शऊर होना चाहिए। लेकिन हम अगर न्यूज़ चैनल देखेंगे, अगर हम न्यूज़ चैनल देखें ना, तो वहाँ पे यही है, इमरान खान ने नवाज शरीफ को ये कर दिया, नवाज शरीफ ने इमरान खान को ये बोल दिया। ठीक है, वहाँ पे कोई टेक्नोलॉजी के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं, कोई ये बात नहीं करता कि कोई पढ़े लिखे कोई जलील हो रहे हैं, कोई उनको कुछ इनकी कोई जॉब्स का कुछ करें, कोई ये करें। मैं कह यूथ बिल्कुल बेकार है, इंजीनियर है देख लें, डॉक्टर देख लें, कोई भी शोभा ले लें, जो भी एजुकेशन के बाद वो बेचारे जलील ही हो रहे हैं। मैं आपको बता दूँ, मेरा एक दोस्त इंजीनियर था, वो बेचारा ये सड़कों को ठेके लेता था, इलेक्ट्रिशियन के। ठीक हो गया, इंजीनियर हो गया भी। हाँ हाँ हाँ, अच्छा, यानी जॉब्स नहीं उस तरीके से वो मिल रहे। यही सोच रहा था मैं हार्डवेयर की दुकान खोलूंगा, मैं ये करूंगा, वो देखे ना शायद यही वजह ना कि बड़ी तादाद में यूथ है, नौजवान है, स्टूडेंट खास तौर पे, वो पाकिस्तान से बाहर जाते नजर आ रहे हैं। अपॉर्चुनिटी नहीं है यहाँ पे, सारा कुछ अल्लाह की सारी दी हुई नेमतें इस मुल्क में है। ठीक है, हम तो ये भी कहते हैं टैलेंट बहुत है, टैलेंट बहुत है, वो टैलेंट नजर क्यों नहीं आ रहा? टैलेंट आगे प्रमोट होगा तो आएगा ना, जब टैलेंट सारा चले बाहर जाएगा तो टैलेंट कहाँ इधर आ जाएगा? जो भी सारे इधर होते हैं कुछ अच्छे, वो सारे मतलब बाहर चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ का जो पैसा डबल होगा तो हमें अच्छा अर्न मिल जाएगा। आपको नहीं लगता अगर पाकिस्तान आज इस कंडीशन में है, हम डिफेंस के लिए भी किसी दूसरे कंट्री के मुहताज हैं, कभी चाइना से मिसाइल लेते हैं तो कभी हम अमेरिका से कोई चीज़ें लेते हैं, आपको नहीं लगता कि इस कंडीशन में हमें जान बूझ के रखा गया, सोची समझी साजिश, और वो किसी बाहर से, किसी अमेरिका, इसराइल, इंडिया, यहूदी, काफर, जो भी कहा जाता है उन्होंने नहीं, बल्कि हमने खुद हमारे बड़ों ने किया। ऐसे ही बिल्कुल ऐसी बात है, देखिए हमारा ट्रेंड यही चल गया ना कि दादा ने नूली को वोट दिया तो नीचे उसका पोता भी जो है ना वो नूली को देगा। ठीक है, ठीक है, अगर वो अपने हक से थोड़ा सा अपने राय से किसी और को पार्टी की तरफ जाएगा तो उसको कहा जाएगा नहीं आपके दादा तो उधर देते हैं, तुम क्यों जा रहे हो उधर? ठीक हो गया, मगर किसी को अपनी राय का इजहार करने का यहाँ पे मौका नहीं मिल रहा, मौका उस तरीके से नहीं मिल रहा। लेकिन मेरे ख्याल से अब हम बोलना शुरू करेंगे तो ही शायद कुछ चेंज आएगा। ये बताएं, अगर इंडिया वालों की आज ये कंडीशन है, अच्छे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, अच्छी पोजीशन में है, दुनिया की पांचवीं बड़ी इकॉनमी, रिलेशन बेहतर, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, तो उसमें सिर्फ उनकी गवर्नमेंट का कमाल है या उनके लोगों का भी कमाल है? देखे ना उनकी यूथ आगे जा रही है ना, जब देखे इंस्टीट्यूट मिल रहे हैं उनको, सारा कुछ मौके मिल रहे हैं, जब वो मतलब एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं उनको फ़ौरन तौर पर उनको जॉब्स वगैरह अच्छी मिलती हैं, है। तो उनको क्या ज़रूरत है किसी से भीख मांगने की, बाहर जाकर काम करने की, कहीं और काम करने की, वो तो खुश है ना, और वो अपने मेड इन इंडिया को बड़ा प्रमोट करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, मेड इन इंडिया को प्रमोट करते हैं। लेकिन हमारा इधर ट्रेंड ये हमारे जब हुक्मरान लोगों के सामने इस तरह जाएंगे तो नीचे आवाम कैसे ये इस तरह के ट्रेंड में आ सके, वो भी तो ऐसे ही करेगी ना फिर, यानी हमारे हुक्मरान हाथ फैलाएंगे तो आवाम का भी माइंड सेट, सारी बात है फिर वो उनको, सारी बात है देखना तो ऊपर वाले उनको भी, वो अगर इमरान खान एक अच्छा आया था लीडर हमारे नौजवान के लिए, उसने अच्छे काम किए थे नौजवान नस्ल को, अगर मतलब मौके मिलने थे अभी, ठीक है, लेकिन उनको उस तरह से टाइम नहीं मिला अभी। हमें एड की बजाय ट्रेड की तरफ फोकस करने की जरूरत है या नहीं? बिल्कुल ट्रेड की जरूरत है, ऐसे ही है, तो हम क्यों नहीं कर रहे ये? अब मुझे नहीं इस चीज़ का आइडिया, नहीं तो ओपिनियन पब्लिक की ओपिनियन भी तो होती है ना, डॉक्टर हैं आप और आपने बड़ी चीज़ों को देखा होगा। अच्छा, कभी इंडिया से किसी भी आपके मतलब किसी से बात हुई हो, किसी इंडियन से सोशल मीडिया पे या किसी तरीके से, कि मतलब ताकि आइडिया हो कि वो किस तरीके से डेवलप, उनकी सोच कैसी है?
नहीं मेरा ऐसा कोई नहीं रहा भाई। तो फिर आपको ये खबर जैसे आती है आपको कैसे पता चलता है? पाकिस्तान में तो मोस्टली आप इस बात से एग्री करेंगे कि हमेशा नेगेटिव खबर, कभी पाकिस्तान में ये बताया गया कि इंडिया ने ये मिसाइल लॉन्च कर दिया, बड़ा कामयाब हो गया ये उनका, क्या कहेंगे? वही ना, पाकिस्तान में तो ये नहीं बताया जाता कि इमरान खान का अपने नाम नहीं लेना उधर स्क्रीन के ऊपर, तो यहाँ पे क्या दिखाया जाना है? वो हमारे ना नौजवानों की चिप जो है ना माइंड की, वो उन्होंने कारी इतनी दी हुई है, ठीक है, कि वो इससे ज्यादा सोच ही ना सके। और खास तौर पे इंडिया को लेके नफरत ही फैला दिया, मतलब देखे ना उनकी चिप इतनी कर दिया कि वो तरक्की की तरफ सोच ना सके। देखे जिस तरह की महंगाई है, एक इंसान ने अपनी फैमिली के अलावा क्या चीजें सोचनी है? ऐसे ही है, अगर इंसान के पास जराए हो वो डिफरेंट तरह के काम करे, पाकिस्तान को तरक्की के लिए आगे काम करे, वो चीजें बाहर जाके प्रमोट कराए, खुद ब खुद पाकिस्तान का नाम रोशन हो। बिल्कुल ऐसे ही है, और हम भी फख्र से कहेंगे हम हैं पाकिस्तानी, और हमें ऐसी दिन का इंतज़ार है कि कभी पाकिस्तान के मिनिस्टर्स हो, पाकिस्तान की गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान के अदारे हो, कोई इस तरीके से कारनामा करें, हम भी आएँ, खबर बनाएं, लोगों की ओपिनियन लें, और लोग बड़े फख्र से कहेंगे लो जी वाकई बड़ा अच्छा लगा, पाकिस्तान ने ये डेवलपमेंट की तरफ काम किया। हमें लास्ट में ये बता दें कि इंडिया को अप्रिशिएट करना चाहिए जैसे वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, सच को सच कहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ 100% करना चाहिए। देखिए हमारे पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ जो है वो हमारे अवाम तक ही है बस, ठीक है, इख्तलाफ वो होते हैं जो हुक्मरान भी आपस में रखे। मैं आपकी इस बात से डिसएग्री करता हूँ, मुझे ये लगता है कि पब्लिक के आपस में कोई, आपको इंडिया से नफरत है या इंडियन से खास तौर पे नफरत है? किस बात से नफरत होगी हमें भाई? अगर वो हमारे साथ नहीं नफरत करते तो हम खुद ब खुद जान के नफरत लेके बैठ जाएं। इसका मतलब है पब्लिक टू पब्लिक नफरत नहीं है, ये ऊपर से नफरत फैलाई जाती है मीडिया के थ्रू। ऐसे ही ऐसी मीडिया मेन रोल इस चीज का अदा करता है। ठीक है, तो हमें कैसा करना चाहिए? नफरतें कम हो, रिलेशन बेहतर करें, ट्रेड करें, सीखें। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक हो गया, रिलेशन अच्छे होने चाहिए हमारे जो भी है ना। ठीक है जी, जबरदस्त, अच्छा लगा डॉक्टर साहब से बात करके। आपको डॉक्टर साहब की बातें कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद जैनुल्लाह भाई। क्या करते हैं आप? मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ। जबरदस्त, अच्छा स्टूडेंट हैं और ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है, अगर पाकिस्तान की बात करें 1947 में इंडिया से अलहदा हुआ, इंडिया की बात करें उन्होंने भी 1947 में तरक्की का सफ़र स्टार्ट किया, आज वो डेवलपमेंट के हवाले से टेक्नोलॉजी के हवाले से कहाँ नज़र आ रहे हैं और हम कहाँ पर नज़र आ रहे हैं? देखें आप जब तक अपने आप को नहीं ना बदलते, ठीक है, तब तक आप किसी भी चीज़ को, जैसे अब लोग यहाँ खड़े हुए हैं ना, इनका कोई मकसद है मतलब कि ये कोई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए ना, लोग अपना टाइम फजूल किसी तरह वेस्ट कर रहे हैं, या ठीक है लोग मजदूरी अगर करते हैं ना तो उनका कोई अजर छोटा सा मिलता है, ठीक है ना है। अगर आप यही चीज़ आप माइंड मेंटली देखे जाए ना कि किसी पॉइंट के ऊपर आप रिसर्च करें या किसी ऐसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें जो आपको फ़ायदा दे, ठीक है ना, इसी तरह आप ग्रो अप करते हैं। लोगों का जो पाकिस्तान में देखा गया है ना ये है कि वो ज़्यादातर लेबर और कोई खुद की कोई इन्वेंशन नहीं है, ठीक है ना, कॉपी जो बनी हुई है उन्हीं कोई कॉपी करके उसको चेंज करते रहना, कोई चीज़ उन्होंने अपनी प्रोडक्शन मतलब कि इस तरह की कोई नहीं बनी हुई, ठीक है ना। उसकी वजह क्या है, मतलब क्या वजह है कि क्यों नहीं हमारी प्रोडक्ट्स खुद बन पाती? मिसाइल हो, टेक्नोलॉजी की कोई दूसरी चीज़ हो, या इवन सादा सादा गारमेंट्स की अगर बात करें, कभी गारमेंट्स फैसलाबाद की बात करें, बड़ा नाम था गारमेंट्स के हवाले से, टेक्सटाइल के हवाले भी है नाम तो अभी भी है, लेकिन अभी इंडस्ट्री सारी बांग्लादेश जाती जा रही है। देखिए ना ये तो खुद इन्होंने अपनी वो सारी जैसा भी अपना पॉलिटिक्स की है, ठीक चल रही है जो भी अभी भी जो चल रही है पॉलिटिक्स, ठीक है ना, अगर इसी तरह हालात रहेंगे तो फिर कोई भी नहीं कंट्री इस तरक्की करेगा, ठीक है, कोई कंट्री नहीं जहाँ पे हालात ऐसे होंगे वो नहीं तरक्की करेगा, बाकी तो करेंगे। इंडिया का डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, क्यों जा रहा होगा आपके ख्याल से? पहले ये बताएं आपके ख्याल में जा भी रहा है, तरक्की कर भी रहा है, या ये ड्रामा क्या? इंडिया, मैंने अभी थोड़ी देर पहले मेरे दोस्त से यही बात हो रही थी कि जब इंडिया की आईआईटी जो है ना, आईआईटी जो टीम आईआईटी जी बिल्कुल